तो क्या चाल सत श्रीकाल, मैं हूं न्योन मैन और भाई आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो आजकल आपने नोटिस किया होगा मैं अपने चैनल में काफी यूट्यूब ग्लिचेस के बारे में बात करना चालू किया हूं एंड यू गाइज आर रियली एंजॉइंग इट। एंड ये चीज मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यूट्यूब का ये वाला पार्ट हम लोग को दिखता नहीं है नॉर्मली। इट्स लाइक यूट्यूब में इतने सारे अजीब अजीब चीज होते रहते बिहाइंड द सीन्स एंड हम लोग को पता ही नहीं चलता है। सो आई ट्राई टू कवर दैट एंड आप लोग को वो चीज इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही सिमिलर चीज है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे सबमिशंस में मेरे को एक लिंक भेजे जो कि एज एन एड आप लोग को दिख रहा था आफ्टर मेनी वीडियोस एंड दैट एड वीडियो वाज ऑलमोस्ट ऑफ 214 आवर्स। क्या सोचा आपने, इस एड का ड्यूरेशन ही इसका वियर्ड चीज था? नो भाई, अगर आप इस एड को क्लिक करोगे तो पूरा 213 आवर्स में आपको एक ही इमेज दिखेगा। भाई आई एक्चुअली डोंट गेट इट, लोग ये सब करते कैसे तो चलो छोड़ो, क्यों करते हैं? एंड इफ दैट वाजंट इनफ, तो अगर आप इस लिंक में क्लिक करोगे जो कि अभी अनलिस्टेड है, पब्लिक नहीं है, तो इसमें 2 डेज अगो 3.3K व्यूज, 19 के लाइक्स दिखेंगे आपको। एनीवेज गाइस, चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मैक्स प्ले के बारे में। नाउ आपको पता होगा मैं अपने चैनल में यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज देते रहता हूँ, बट व्हाट इफ आई टेल यू एक यूट्यूबर है जो एयरप्लेन से जंप करके मिड एयर में यूट्यूब न्यूज दे रही थी। ऐसा सिमिलर चीज बहुत पहले बीबी किए थे, सो उसी चीज से इंस्पायर होके शी मेड दिस वीडियो। सो इस वीडियो से छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं प्लेन से कूदने वाली हूँ, सिर्फ उतना ही नहीं, मैं प्लेन से कूदते हुए आप लोगों को न्यूज भी देने वाली हूँ। नॉर्मल न्यूज नहीं, यूट्यूब की न्यूज, लाइक कैरी, भुवन, आशीष की न्यूज। अब आप लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब न्यूज के लिए मेरी क्या जरूरत है, उसके लिए तो नियॉन मैन है ना। पर नियॉन मैन प्लेन से कूदते हुए थोड़ी न्यूज देता है। फ्लिपकार्ट ने बनाई कैरी की ड्रॉइंग, उनकी अद्भुत तरह देख के लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में उनकी खूब सराहना की। आशीष चंचलाई ने दुबई की काश के साथ एक वीडियो बनाया जिसमें जानवी कपूर का रोल उतना ही था जितने मेरे लाइफ में। मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो जाके देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा होगा भाई, सो थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। नो, ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए जिसमें ही हैड एन इमोशनल एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। वो क्या था, आप खुद ये क्लिप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसमें किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं और कौन है? हां जी सर, आप यूट्यूबर हो ना? हां जी। अच्छा है, बिग धन ब्रो। सर थैंक यू सो मच सर, मैं सिपाही रैंक पे, सिपाही रैंक पे, ये मेरे को बिग फैन बोल रहे सर, मैं आई एम योर बिग फैन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। निश्चय जी कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, पूछता है पागल भाई। तुम सोचो, एक लिटरली घर से हम इतनी दूर उत्तराखंड में एंड यहाँ पे एक सोल्जर आके मुझे बोल रहे हैं बिग फैन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मूवी स्टॉक के बारे में। तो मूवी स्टॉक अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, आई गॉट 2 copyright strike ऑन माय चैनल एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। इस वीडियो में वो एक्सप्लेन किए कि अ रशियन पर्सन उनके चैनल में 2 strikes लगा दिए एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि मूवी स्टॉक अपने वीडियोस में उनका आर्ट यूज किए थे इसलिए स्ट्राइक लगा दिए। बट ही फील्स कि वो बंदा झूठ बोल रहा है क्योंकि वो स्ट्राइक हटाने के लिए उनसे पैसे मांग रहा है। सो दिस प्रूव्स अगेन कि भाई यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम जो है वो काफी ब्रोकन एंड यूट्यूबर्स को सहना पड़ता है इस चीज के वजह से। ट्वीटेड अबाउट इट एंड अगर इसके बारे में वो कुछ अपडेट्स देते हैं तो आई विल लेट यू नो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले टेक्नो गेमर्स के बारे में। आपको पता होगा टेक्नो गेमर्स अपना फर्स्ट ट्रैक रिलीज किए थे गेम ऑन एंड दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उसमें 2 महीने के अंदर 20 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन लाइक्स एंड इवन 1 मिलियन कमेंट्स आए थे। सो इसी गाना का बैक स्टोरी द बिहाइंड द सीन्स अपलोड किया गया ऑन ओपी गेमिंग चैनल। इफ यू वॉन्ट टू वॉच आप जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो के एंड में एक चीज लिखा हुआ था, वी आर कमिंग बैक विद अ न्यू ट्रैक वेरी सून, स्टे tuned. So a new track might be in the making. Let's see वो कब तक release होता है। तो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले Discord के बारे में। अगर आप कोई भी gaming channel को follow करते हो तो आप जरूर Discord के बारे में जानते ही होंगे। So उसी से related एक story है कि Microsoft Corporation शायद Discord को acquire कर ले for $10 billion। जी हाँ, इसके बारे में खाली बातचीत चल रही है, this is not at all confirmed. दोनों companies के representatives भी अभी तक कुछ comment नहीं किए इसके बारे में। So yeah, let's just wait for the official statement on this. तो
चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले फाइनेस्टली के बारे में। ही इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेस्ट ट्रेंड्स। आज वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किया 15th अप्रैल लॉन्चिंग माई गेम कंपनी। सो या जैसा कि उन्होंने कहा वो अपना एक गेम कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। आई होप इट टर्न्स आउट वेल फॉर हिम। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिष्ठान पुणे ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एटॉमिक्स नाइट ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन राहुल सोल ट्रेडर ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन टेक्निकल गुरुजी ने कंप्लीट कर चुके हैं 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली प्रो बॉयज 95 को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फिल्थी फ्रैंक के बारे में। नाउ फिल्थी फ्रैंक वाज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर बैक इन द डे, बट वो अपना यूट्यूब को क्विट करके म्यूजिक करियर में चल गए थे। एंड ही इज नोन एज जोजी। अभी भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके स्पॉटिफाई में 15 मिलियन मंथली लिसनर्स है, बट उनके जो ओल्ड फैंस है रियली मिस हिज कॉन्टेंट। कल अचानक से उनके फेसबुक पेज में आफ्टर 4 ईयर्स एक एक्टिविटी दिखा। उनका एक प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हुआ एंड इसमें ये लिखा हुआ था सो सून। नाउ बिफोर यू गेट टू एक्साइटेड लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप उनका प्रीवियस प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे 2017 का, तो सेम कैप्शन विद द सेम फोटो था। एंड ऑल्सो आई डोंट नो वाई उनके फेसबुक प्रोफाइल के फीड में ये चीज नहीं दिखाया कि वो अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज किए। नाउ इवन इफ लेट्स अज्यूम कि ये कोई ग्लिच नहीं है, वो खुद से ये चीज अपलोड किए एंड सो सून लिखे। दूसरा चीज जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अप्रैल 1st आने वाला है, दैट इज अप्रैल फूल्स डे। सो या यू नो व्हाट आई मीन। बट पर्सनली आई थिंक अगर वो फिल्थी फ्रैंक कंटेंट बनाने वाले होते तो शायद अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब में कहीं ना कहीं तो अपडेट देते। ऐसा अपडेट हम लोग को कहीं भी देखने को नहीं मिला। बट या अगर इससे कुछ रिलेटेड वो अपडेट्स देते हैं तो आई विल लेट यू नो। एनीवेज तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मॉग्स के बारे में। नाउ मॉग्स इज अ रियली पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर। उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट्री चैनल्स रोस्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं क्योंकि वो अपना एक क्रेजी वर्जन में वीडियो बनाते हैं। ही डज नॉट शो हिज रियल साइड। फाइनली इस चीज के बारे में बात करते हुए वो एक वीडियो अपलोड किए आई एम लीविंग यूट्यूब। एंड इसमें एग्जैक्टली वो यही कहे कि वांट्स द वर्ल्ड्स टू सी हिज रियल साइड, नॉट दैट क्रेजी वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। एंड वो कुछ टाइम से यूट्यूब से ब्रेक लेंगे फॉर अ फ्यू मंथ्स मे बी। एंड जब वो वापस आएंगे फ्रॉम दैट ब्रेक तो ही विल क्रिएट नॉर्मल कॉन्टेंट अपना रियल पर्सनैलिटी के साथ। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Pretty much the best way for me to explain it was I started making these challenge videos and started acting more crazy on camera, more hyper, more energetic, and my views and you know interest in the channel, subscribers started to go up. So me, I was thinking, you know, okay, let's carry this on. Let me get even more crazy. Let me be even more energetic, even more hyper. And I sort of convinced myself that, you know, that was the reason why I was getting so many more subscribers and views, because everybody was just so interested in seeing this crazy character, this crazy version of me. But like, you know, I've grown up a lot, man, and I'm just kind of, I just kind of want to show, you know, the real me. And I'm confident you guys will like that. I mean, you all say you want to see the real me, and you know, I just want to make fun videos that I really enjoy making and I'm really proud of. सो यार चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।